बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, महिलाओं से ज्यादती और हत्याएं, दुकानों में लूटपाट, घरों को फूंक रहे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा। बांग्लादेश में हैवानियत की हदें हो गई पार। नफरत की सबसे निर्मम झलक देखनी हो तो बांग्लादेश आइए। यह महिलाओं के चेहरे पर डर, बच्चों की खामोशी और बुजुर्गों की बेबसी आपको बताएगी कि यहाँ के हालात कितने खराब हैं। एक अच्छे कल के लिए बांग्लादेश की भीड़ ने शेख हसीना की सत्ता को तो उखाड़ फेंका था, लेकिन आज इस देश में जो कुछ हो रहा है उससे भविष्य के खतरे पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देश में हर ओर अराजकता का माहौल है। सड़कों पर इंसानियत, कानून और शर्म की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बांग्लादेश में हाल इतने बेहाल हैं कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोगों के घरों को लूटा जा रहा है, आबरू लूटी जा रही है और सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। रात भर लोग घरों में जाग रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं उनके घर को लुटेरे निशाना न बना ले। यह हालात सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नहीं बल्कि बांग्लादेश के हर कोने से ऐसी ही हो रही घटनाओं में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लुटेरे ट्रकों में भर कर आ रहे हैं और पूरे पूरे इलाके को टारगेट कर रहे हैं। घरों में लूट करने के साथ ही महिलाओं के साथ बलात्कार की भी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। घरों को आग लगाई जा रही है। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वे अधिकारियों और नेताओं को किसी को भी नहीं छोड़ रहे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की चल रही हड़ताल के कारण देश में कोई पुलिस नहीं है। सेना ने आतंकियों, बदमाशों और लुटेरों द्वारा किए गए हमलों के ऐसे किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए फोन नंबर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि लोग जब इन नंबरों पर कॉल कर रहे हैं तो या तो कोई फोन उठा नहीं रहा या फिर नंबर ही बंद आ रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि सोमवार को भी बांग्लादेश में 400 से अधिक पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया था। उसके बाद भी ये हमले अब तक नहीं रुके। इस दौरान कई पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। हिंदू उपद्रवियों के निशाने पर है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और मारा जा रहा है। देश के कम से कम 27 जिलों में भीड़ ने हिंदू घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की ओर सामान लूटा जा रहा है। खुद जमात ए इस्लामी ने माना है कि हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। हिंदू उपद्रवियों के निशाने पर है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों का टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के कम से कम 27 जिलों में भीड़ ने हिंदू घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए, तोड़फोड़ की और आगजनी की, सामान लूट लिया। खुद जमात ए इस्लामी ने माना है कि हिंदुओं पर हमले अब बढ़ चुके हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन हजारों लोग भारत में दाखिल होने के लिए खड़े हुए हैं। इस बीच जलपाईगुड़ी में करीब 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए हैं। वे बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोक दिया है। बीएसएफ ने उन्हें सतकुरा सीमा पर ही रोक लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने और महिलाओं से बलात्कार जैसी घटनाओं से अब खून खौलने लगा है। पूरे विश्व में इसके विरोध में आवाज उठने लगी है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द विश्व जगत एक होकर इस हैवानियत पर रोक लगाएगा और बेगुनाहों से बर्बरता को रोक सकेंगे। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।